हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना पुराना फेसबुक अकाउंट कैसे चालू कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अपने पास जो फेसबुक अकाउंट होता है और कुछ दिन तक हम उस फेसबुक अकाउंट को यूज करते हैं और वहाँ पर अपना कुछ ऐसा चीज़ शेयर कर देते हैं जो कि हमें उसे बाद में डिलीट करने का मन करता है, या तो उसी फेसबुक अकाउंट को फिर से चालू करने को मन करता है, लेकिन दोस्तों हम उसको चालू नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना पुराना फेसबुक अकाउंट को चालू कैसे करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल कटोरी। दोस्तों, पुराना फेसबुक अकाउंट चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना ये नया वाला फेसबुक अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो चलिए इस नए वाले फेसबुक अकाउंट को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा नया वाला फेसबुक अकाउंट है ये बंद हो चुका है। अब हमें पुराना फेसबुक अकाउंट चालू करना है तो कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कि हमारा यहाँ पर दो अकाउंट दिखाई दे रहा है, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके सभी को हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो कि नया वाला फेसबुक अकाउंट बंद हो चुका है। अब दोस्तों, हमें पुराना वाला फेसबुक अकाउंट चालू करना है तो क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे लिख रहा होगा फ़ोन और ईमेल। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपने पुराना वाला फेसबुक अकाउंट चालू किया था, ठीक ना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना जो कि पुराना वाला मोबाइल नंबर डाल देते हैं जिस पे हमने अपना फेसबुक अकाउंट चालू किया था, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड। दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने उस नंबर से जो भी अपना फेसबुक अकाउंट बनाया होगा यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा फेसबुक अकाउंट आपको चालू करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वाले फेसबुक अकाउंट को चालू करने वाला हूं, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर पूछ रहा है कि जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो मोबाइल नंबर आपके पास है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपके उसी नंबर पर एक कोड आएगा जो कि फेसबुक के तरफ से जब कोड आ जाएगा तो इसमें अपने आप पड़ जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है कोई ऐसा पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए जो कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, मतलब कोई उसको डाल करके अंदाज से कोई डाले तो उसको ना खोल पाए। तो आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा पासवर्ड डालना है जो कि आसानी से कोई खोल ना पाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ उल्टा सीधा पासवर्ड डाल दिया है जो कि इसको आसानी से कोई खोल ही ना पाए। तो दोस्तों, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप डालना वो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यही होगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा तो आपको यहां पर ओके कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद आप देख लेंगे यहां पर जो कि आपका अकाउंट दिखाने लगा है, जो कि हमारा फेसबुक अकाउंट यही है जो कि पुराना वाला है, और इसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर ओके करने के बाद में हमारा ये फेसबुक अकाउंट चालू हो गया है। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर जो कि हम देख लेते हैं जो हमारा प्रोफाइल है उसमें जो भी फ़ोटो है और सारी चीज़ें, ठीक ना। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप भी अपने फ़ोन में अपना पुराना फेसबुक अकाउंट चालू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।